ओके तो इससे पहले वाले लेक्चर में स्पीसीज़ वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जो लोवेस्ट सेकेंड टेक्सॉन है यानी कि जीनस के बारे में बातचीत करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जीनस। और ये क्या है? सेकेंड लोवेस्ट टेक्सॉन है। फर्स्ट लोवेस्ट टेक्सॉन कौन सा था? स्पीसीज। और जीनस क्या है? सेकेंड लोवेस्ट टेक्सॉन। ठीक है, हमने आपको बताया है टेक्सोनॉमिल हायरार्की में कि जैसे ही हम लोग डाउनवर्ड से अपवर्ड में आएंगे, मतलब हम लोग डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, कहने का साफ साफ मतलब ये है कि जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ आएंगे तो सिमिलर करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे हम लोग किंगडम टू स्पीसीज में आएंगे, हम लोग का क्या होगा? सिमिलर करेक्टर इंक्रीज होगा। तो हम लोग अभी क्या आ रहे हैं? अभी हम लोग स्पीसीज टू किस में आ रहे हैं? किंगडम की तरफ आ रहे हैं, मतलब जीनस की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? सिमिलर करेक्टर डिक्रीज होगा। बट जीनस स्पीसीज में क्या होगा? सिमिलर करेक्टर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जीनस किससे ज़्यादा क्लोज रिलेटिव रहेगा? स्पीसीज से। बात समझ में आ रही? क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन जब वही बात होगी कि अभी इसके जस्ट बाद जब हम बात करेंगे फैमिली के बारे में, ठीक है, फैमिली क्या होगा? फैमिली जीनस से क्लोज रिलेटिव होगा, मतलब फैमिली और जीनस में क्लोज रिलेशन होगा और फैमिली स्पीसीज में डिसिमिलर रिलेशन होगा। बात समझ में आ रही? तो मतलब, और उसके बाद आप क्लास में जाएंगे, फाइलम में जाएंगे, तो फाइलम में जब पहुंचेंगे तो स्पीसीज से और भी डिसिमिलर करेक्टर बढ़ेगा। जैसे किंगडम में जाएंगे तो और भी डिसिमिलरिटी बढ़ेगी, मतलब सिमिलरिटीज डाउनवर्ड में ही आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जीनस जो है वो मोस्ट सिमिलर टू स्पीसीज। जीनस क्या होगा? ज़्यादा सिमिलरिटी रखेगा स्पीसीज से। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, हमने कहा मैंजी फेरा इंडिका। आपको पता है ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, हमने इसको अंडरलाइन किया ऐसे। हम दूसरा नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे पैंथेरा लियो, ये लायन का साइंटिफिक नेम है, हमने यहाँ पे लिखा पैंथेरा टाइग्रिस। टाइगर का साइंटिफिक नेम है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं पैंथेरा पार्डस। ये तेंदुआ का साइंटिफिक नेम है, मतलब पार्डस का। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंजी फेरा है, मैंजी फेरा पैंथेरा हो गया, ये क्या है? ये आपके जीनस को रिप्रेजेंट करेंगे। नॉमन क्लेचर के रूल में हमने पहले आपको बताया था कि फर्स्ट जो वर्ड होगा वो क्या होगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जीनस है। बाकी जो हमने आपको लिखा यहाँ पे इंडिका लिखा है, इंडिका पार्डस लियो टाइग्रिस, ये सब क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट हैं, या हम कह लें स्पीसीज हैं। समझ में आ रही बात? तो अब क्लोज रिलेटिव समझने के लिए मैं ये एक बात बता रहा हूँ कि जैसे हमने कहा कि पार्डस अलग स्पीसीज है, टाइग्रिस अलग स्पीसीज है, लियो अलग स्पीसीज है, लेकिन क्या है? ये एक ही जीनस में बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? मतलब सिमिलरिटीज देखो इतना है कि तीन डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज हैं वो किस में बिलोंग कर रही हैं? एक ही जीनस में बिलोंग कर रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मोर देन टू स्पीसीज कैन बिलोंग इन ए वन जीनस। समझ में आ रही? मतलब जीनस ने क्या किया? समेट लिया दो या दो से अधिक स्पीसीज को। अभी इसके बाद जस्ट बात करेंगे जब हम लोग फैमिली, तो हम फैमिली क्या कहेंगे? फैमिली दो या दो से अधिक जीनस को समेटेगी। बात समझ में आ रही? मतलब फैमिली इंक्लूड करेगी दो या दो से अधिक जीनस को। इसी तरीके से अभी जो हम लोग इसके बाद ऑर्डर बात करेंगे, तो ऑर्डर क्या करेगा? दो या दो से अधिक फैमिली को समेटेगा, मतलब सिमिलरिटीज करेक्टर क्या होगी? डाउनवर्ड में बढ़ रही है, और अपवर्ड जैसे जा रहे हैं सिमिलरिटी करेक्टर डिक्रीज होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ये बताना था कि जो पैंथेरा है वो दो या दो से अधिक क्या कर रही है? स्पीसीज को कंटेन कर रही है, मतलब सिमिलर करेक्टर बढ़ा रहा है। कौन? जीनस स्पीसीज के बीच में। ठीक है, अब
आपको एक चीज़ बताएं कि टाइप्स ऑफ स्पीसीज, अगर हम लोग बात करें कि स्पीसीज कितने टाइप की हो सकते हैं, तो सॉरी अगर मैं बात करूं कि जीनस कितने टाइप के हो सकते हैं, तो जीनस जहां तक मुझे समझ में आ रहा है दो टाइप्स के हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ टाइप्स ऑफ जीनस, टाइप्स ऑफ जीनस। जीनस हमने कहा दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो होगा मोनोटाइपिक जीनस, मोनोटाइपिक, मोनो का मतलब होता है ये एक, एक होगा पॉलीटाइपिक। मोनो का मतलब एक, मतलब हमने कहा कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर सिंगल जीनस है तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनोटाइपिक, लेकिन अगर हमने कहा कि दो या दो से अधिक स्पीसीज एक ही जीनस में बिलोंग कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीटाइपिक। जैसे हमने कहा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वन जीनस फॉर वन स्पीसीज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा कि वन जीनस फॉर मोर देन टू। बात समझ में आ रही? मोनोटाइपिक जीनस में अगर हम बात करें तो जैसे हमने ले लिया मैंजी का, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा का जब भी नाम आएगा क्या होगा? मैंगो में हम लोग इंक्लूड करेंगे, या हमने कह दिया होमो सेपियंस में होमो, ये भी क्या है? मोनोटाइपिक जीनस। लेकिन अगर हमने कहा पैंथेरा, पैंथेरा क्या है? पॉलीटाइपिक जीनस है। क्यों? क्योंकि पैंथेरा लियो के लिए भी इंक्लूड हो रहा है और टाइग्रिस के लिए भी माना जा रहा है और पार्डस के लिए भी पैंथेरा यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही? और एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं एक सोलेनेसी या सोलेनम, सोलेनम, सोलेनम कैसे? क्योंकि सोलेनम के भी क्या हैं, देखिए कितने आपके स्पीसीज हैं, सोलेनम कितने स्पीसीज को कंटेन कर रहा है। हमने कहा सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, ठीक, हमने कहा सोलेनम ट्यूबरसम, ट्यूबेरसम, और हम कह रहे हैं सोलेनम मेलंजना, ठीक है। यहां पे हमने कहा कि मकोए के लिए भी सोलेनम जीनस है, आलू के लिए भी सोलेनम जीनस है और ब्रिंजल के लिए भी सोलेनम जीनस है। बात समझ में आ रही? सोलेनम नाइग्रम किसे कह रहे हैं? नाइग्रम किसे कह रहे हैं? मैंने यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड डालना है क्योंकि आपको नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हमने कहा फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपका मकोए, सेकंड क्या है? सेकंड ट्यूबरसम यानी पोटैटो, और थर्ड क्या है? मेलंजना यानी ब्रिंजल। तो मकोई भी अलग स्पीसीज है, ठीक है, ब्रिंजल भी अलग स्पीसीज है और पोटैटो भी अलग स्पीसीज है, लेकिन एक ही जीनस में बिलोंग कर रहे हैं। वो जीनस का नाम क्या है? सोलेनम। तो सोलेनम एंड पैंथेरा आर द पॉलीटाइपिक जीनस, वेयर एज द होमो एंड मैंजीफेरा इज ए मोनोटाइपिक जीनस। बात समझ में आ रही? तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्ड लोवेस्ट टैक्सॉन यानी कि फैमिली के बारे में, ठीक है, फैमिली के बारे में बातचीत होगी। तो मैं लिख रहा हूँ फैमिली, ये हमारा क्या है? थर्ड लोवेस्ट टैक्सॉन, थर्ड लोवेस्ट टैक्सॉन। सेम थिंग फिर लिखना है आपको, जिस तरीके से हमने जीनस लिखा था और बताया था कि क्लोज रिलेटेड टू स्पीसीज, उसी तरीके से हम फैमिली लिख रहे हैं, और किससे क्लोज रिलेशन रखेगा ये? जीनस से, स्पीसीज से क्लोज रिलेटेड नहीं रहेगा ये। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्लोज रिलेटेड टू, क्लोज रिलेटेड टू जीनस। एक चीज मैं और बता रहा हूं कि उतना क्लोज रिलेटेड नहीं होगा जितना जीनस स्पीसीज से था। तो मैं लिख रहा हूं
क्लोज रिलेटेड टू जीनस बट नॉट मोर देन जीनस टू स्पीसीज, मोर देन जीनस टू स्पीसीज। बात समझ में आ रही? अब फैमिली की जब बात आ रही है तो फैमिली में हम लोग क्या करेंगे कि दो या दो से अधिक जीनस को हम लोग एक जगह समेट के लेके आएंगे तो वो क्या नाम होगा, उसे ही हम लोग फैमिली बोलेंगे। मतलब टू और मोर जीनस आर इंक्लूडेड इन द वन फैमिली। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मोर देन टू जीनस विल include in one family। और यही तो बात हुई थी जीनस में कि more than two species belong to one genus। ठीक है, तो example मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने कहा कि panthera जो genus है, ठीक है, panthera जो genus है, और हम बता रहे हैं आपको जैसे पैंथेरा में मैं नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे पैंथेरा लियो हो गया, पैंथेरा पार्डस हो गया, अंडरलाइन सबको करेंगे, ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, ठीक है, और एक मैं नाम लिख रहा हूँ जैसे फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, या हम लोग कहें फेलिस फैमिलियारिसिस, लियारिसिस। इनका तो आपको पता है किसका बायोलॉजिकल नेम है, ये लायन का। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं लायन। ये क्या है, तेंदुआ यानी लेपर्ड, और ये क्या है, टाइगर, नाम से ही पता चल रहा है, और ये क्या है, कैट। कैट एक अलग स्पीसीज है, टाइगर भी एक अलग स्पीसीज है, लेपर्ड भी अलग स्पीसीज है, लायन भी अलग स्पीसीज है। अब देखिएगा, लायन लेपर्ड एंड टाइगर को एक ही जीनस में रखा गया है, नाम क्या है, पैंथेरा, ठीक है। लेकिन कैट अलग स्पीसीज भी है और अलग जीनस भी है। जीनस इसका क्या है, फेलिस, ठीक है, और ये डोमेस्टिका क्या है, इसका स्पीसीज है। तो ये दो जो अलग जो जीनस हैं, मतलब फेलिस एंड पैंथेरा, एक ही फैमिली में रखा गया जिसका नाम क्या है, फैलेडी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक ही फैमिली, इसका नाम क्या है, फैलेडी। बात समझ में आ रही? तो अच्छा, यहीं पे जबकि देखिएगा आप क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि कैनिस डोमेस्टिका, कैनिस डोमेस्टिका, कैनिस डोमेस्टिका में क्या है, कैनिस क्या है आपका जीनस है, और डोमेस्टिका क्या है आपका स्पीसीज है, और ये अलग फैमिली में बिलोंग कर रही है। फैमिली का नाम क्या है, कैनेडी, कैनेडी। तो ज़रूरी नहीं है कि स्पीसीज अगर सेम हो तो एक ही फैमिली में हम लोग इंक्लूड करेंगे। बात समझ में आ रही? यहाँ पे देखिए क्या है, स्पीसीज दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन वो क्या है, अलग जीनस भी है और अलग फैमिली भी है। बात समझ में आ रही? तो एग्जांपल आप ध्यान में रखेंगे कि पैंथेरा एंड फेलिस इन इंक्लूड इन ए वन फैमिली नोन एज फैलेडी। बात क्लियर हो रही? ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे ये क्या होगा, कैनेडी एंड फैलेडी आर डिफरेंट टू ईच अदर, डिफरेंट पुट टुगेदर, पुट नॉट टुगेदर इन ईच अदर। बात समझ में आ रही कि फैलेडी एंड कैनेडी को एक में नहीं रखा गया है। अब ये आपको नोट करके एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे आप समझ लीजिए नोट कि फैमिली के लिए जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स नहीं, फैमिली के लिए सफिक्स, सफिक्स की ही बात करेंगे, फैमिली के लिए जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ईडी, हमने लिखा ईडी, ई ए ई, ईडी। फैमिली के लिए जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ईडी, और किसके लिए, ये होगा सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए। और हमने कहा अगर एसी लिखा हुआ है,
ACEAE, AC, तो ये किसके लिए होगा? प्लांट के लिए। तो प्लांट के लिए जो फैमिली का सफिक्स होगा वो AC होगा, और एनिमल्स के लिए जो सफिक्स होगा वो क्या होगा? ED होगा। अब एक चीज़ और है, अगर हम लोग सब फैमिली की बात करें, सब फैमिली, तो सब फैमिली के लिए सफिक्स होगा वो होगा OD, OIDEAE, OD। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको ये समझना है कि कौन सा फैमिली है, कौन सा सब फैमिली है, या फैमिली है भी कि नहीं है। बात समझ में आ रही? यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने कह दिया सोलेनेसी, 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 बताइए फैमिली है कि नहीं है? फैमिली है, क्यों? क्योंकि AC लगा हुआ है। बात समझ में आ रही? ये फैमिली है। चलिए हमने कह दिया फैलेडी, फैलेडी, बताइए फैमिली है कि नहीं है? अब AC हर जगह नहीं ढूंढना है। बात समझ में आ रही है? हर जगह AC के तलाश में नहीं रहना है, क्योंकि ED भी तो आपका फैमिली है, ED भी फैमिली है। ये किसके लिए है? ये भी फैमिली है, लेकिन ये किसके लिए है? एनिमल्स के लिए। ध्यान दीजिएगा बात, वहाँ पे मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। और ये किसके लिए है? प्लांट्स के लिए। लिखना नहीं था लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। अब जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे, ये मैं लिख रहा हूँ मिमोसोडी, मिमो सीओडी, ODEA, बताइए मीमोसीओडी जो है वो बताइए फैमिली है कि नहीं है? बताइए, AC आया है? नहीं आया। ED आया है? अरे ED नहीं है, ये OD है। OD किसके लिए यूज होता है? OD यूज होता है सब फैमिली के लिए। तो ये क्या है? ये आपका सब फैमिली है, सब फैमिली, ठीक है। और मीमोसीओडी जो है वो आपका मिमियोसा, मिमियोसा, या आप कह सकते हैं छुई मुई का आपने नाम सुना होगा, टच मी नॉट, इसी में आता है टच मी नॉट, यानी कि इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? छुई मुई, छुई मुई, ठीक है। तो बाकी इनमें तो आपको पता है सोलेनेसी, ठीक है। जैसे हमने कह दिया क्या, सोलेनेसी बताया तो है हमने, जैसे मान लीजिए कह दिया टमाटर, वो सॉरी हमने कह दिया बैगन हो गया, ठीक है। और क्या बताया हमने? आलू हो गया, ठीक है, और मकोए, ये सब क्या है? सोलेनेसी में है। अब फैमिली से सोलेनेसी में देखिए, दो या दो से अधिक जो फैमिली है वो, दो या दो से अधिक जो जीनस है वो एक फैमिली में रखा गया है। इस चीज़ को आप यहाँ समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमने कहा जो दतूरा है, दतूरा हो गया, ठीक है, और पुटीनिया हो गया, ठीक है, ये सब एक ही फैमिली में रखी गई हैं जिसका नाम है सोलेनेसी, ठीक है। तो कहने का ही मतलब है कि दो या दो से अधिक जीनस को हम लोग एक फैमिली में रख सकते हैं, दो या दो से अधिक स्पीशीज को हम लोग एक जीनस में रख सकते हैं। अब हमारा जो है इसके बाद का जो हमारा टेक्सॉन है जिसका नाम है ऑर्डर, तो अब हम लोग फिर बात करेंगे कि दो या दो से अधिक फैमिली को हम लोग एक ऑर्डर में रख सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने फैमिली के बारे में इतना जिक्र कर लिया है, पढ़ लिया है, इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑर्डर के बारे में।